बड़ी नाकामी सामने आई। मामला शहर के बोराखेड़ा थाना इलाके का है, जहां चंद्रोई नदी के पास मंत्री जी के पास शिकायत पहुंचती है या नहीं, और फिर नशे में टल्ले इस लेडी डॉक्टर पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल पहुंचे मरीज अपना दर्द भूलकर नशे में टोल डॉक्टर की हरकतों से परेशान जरूर नजर आए। फर्स्ट इंडिया के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आंसरेबल नहीं हूं आपके, क्योंकि दुबई से लेके 24 और चलिए बात करते हैं कोटा में सामने आए उस मामले का, जहां शहर पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई। मामला शहर के बोराखेड़ा थाना इलाके का है, जहां चंद्रोई नदी के पास के जंगल में आज एक युवक विशाल मेवाड़ा का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया और जिसका शव बाद में बरामद हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि मृतक युवक के परिजनों ने कल रात को ही पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए बता दिया था कि उनके बेटे का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है, और अपहृत युवक विशाल के ही मोबाइल फोन से परिजनों को फोन लगाकर 15 लाख की फिरौती मांगते हैं, और पुलिस को इत्तला करने पर अपहरण किए विशाल को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन कोटा शहर पुलिस की नींद टूटते इससे पहले आज अपहृत युवक को मारकर फेंक दिया गया। मृतक युवक का नाम विशाल मेवाड़ा बताया जा रहा है, जो मूल रूप से कोटा जिले के खैराबाद का रहने वाला है और कोटा के योगी राज पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र था। कल शाम को 4 बजे कितने बर का फोन आया मेरे पास? क्या आया फोन? तेरे बेटे को हमने किडनैप कर लिया है और हमें 15 लाख रुपए चाहिए, और इसे करके फोन काट दे। फिर 4:15 बजे फिर फोन आया कि तेरे पुलिस को इत्तला मत करना और हम बोले ना उस जगह आ जाना। फिर रात को 11:01 पे फोन आया कि कल 4 बजे हम तेरे को फोन करके बताएंगे किस जगह आना, उसके बाद फोन काट दे। और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कुछ देर पहले ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आखिर पुलिस ने पूरे प्रकरण का किस तरह खुलासा किया और कौन लोग पकड़ में आए, चलिए उसके लिए जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी भंवर एस चारण का कोटा से। भंवर, जो पूरा मामला जो सामने आया है, कितने लोगों को पकड़ा गया है और आखिर क्या मामला था ये? जी देखिए, पूरा मामला चेहरन पैदा कर देने वाला है प्रदीप। जिस तरह से कोटा में 3.5 साल पहले 7 साल के एक मासूम बालक रुद्राक्ष का अपहरण किया गया था, और अंकुर पाड़िया जिसको फांसी की सजा कुछ दिनों पहले इस मामले में कोर्ट ने सुनाई थी, उसने 2 करोड़ की फिरौती की मांग की थी, और मांग करने से बीच में ही उसने रुद्राक्ष को मार डाला था। कुछ इसी तरह का ये विशाल मेवाड़ा हत्याकांड भी सामने आया है। विशाल के परिजनों से 15 लाख की फिरौती मांगी गई, और हैरानी की बात यह है कि अपहरण और हत्या की पूरी साजिश विशाल मेवाड़ा के दोनों ही रची है। जो 3 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं, मुख्य आरोपी का नाम विक्रांत और शिवांशु है, जो कि विशाल मेवाड़ा के न सिर्फ खैराबाद जहां का विशाल रहने वाला है उसके गांव के पास का है, बल्कि उसके बचपन का दोस्त भी है। और दूसरे जो आरोपी हैं उनके नाम है ब्रजेंद्र उर्फ लक्की और प्रदीप उर्फ बिन्नी। इन तीनों ने मिलकर विशाल मेवाड़ा का अपहरण किया, और अपहरण करने का कारण ये था कि ये तीनों बदमाश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, और इस आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखने के बाद इस तरह की साजिश रची की थी ऐसे लड़के को अगवा किया जाए जिसके परिवार खूब मालदार हो, जिनके माँ बाप के पास खूब पैसे हो, और बाद में रैंसम के रूप में फिरौती के रूप में बड़ी रकम देकर के और अय्याशी की जाए, ऐश किया जाए, इसी मकसद के साथ उन्होंने विशाल मेवाड़ा का अपहरण किया। क्योंकि और यहाँ पर जो एक बात और सामने आई कि जब पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी उसके बाद भी पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की थी? जी देखिए, इसमें 2 तरह की बातें सामने आ रही है। जिस तरह से एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का तफसील के साथ खुलासा किया है, पुलिस ने दावा किया है कि उनको कल शाम के समय उनको रिपोर्ट मिली कि विशाल मेवाड़ा गायब है, और विशाल मेवाड़ा की फोन से ही उनके पास फोन आया है कि आप 15 लाख की फिरौती दीजिए, आपका बेटा हमारे पास है, नहीं तो हम उसकी हत्या कर देंगे, और पुलिस के पास जाओगे तो तुरंत ही हत्या कर देंगे। इस तरह की इत्तला विशाल के परिवार की तरफ से बोरखेड़ा थाना पुलिस को दी गई थी। लेकिन एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि सवेरे 10 बजे के आसपास विशाल मेवाड़ा को उसका दोस्त विक्रांत अपने साथ ले गया। ये लोग इनका जो एक तीसरा दोस्त था ब्रजेंद्र उर्फ लकी उसके खेत पर गए, वहां उन सब ने मिलकर के शराब। चलिए भंवर, अभी कुछ देर पहले ही चूंकि कोटा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ का दौर जारी है, तो हो सकता है कि आगे की पूछताछ में इस मामले को लेकर और भी खुलासे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जयपुर के खोनागोरियान थाना क्षेत्र की चौकी पालड़ी मीणा में एसीबी की टीम ने